यू कैन सी नाउ द साउंड विल बी चेंज। देखना आपकी कैसे चेंज हो जाती है, रैबिट की हो जाती है। तो ये वाटर पाइप है, ये जो कंस्ट्रक्शन में आपके घरों में जो टेप होती है या आपके पास नल होता है उसमें वो लगे होते हैं, यही वो सेम पाइप है। उसका टुकड़ा काट के आप देख सकते हैं, इसी तरह इसको मैं डक्स पे भी यूज कर सकता हूँ, टील पे। देखना आप ये आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए टाई। ये जो था फ्रीली अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हनीफ मलक, जो आपने रैबिट कॉलिंग रैबिट कॉल बनाई है, मैन्युअली कॉल बनाई है, बजाते हैं उस पर शिकार आता है कि नहीं, रैबिट आता है कि नहीं, या वोल्फ आता है, या उस पर गिदड़ आता है कि नहीं। तो बिल्कुल दिस इज़ द प्रैक्टिकल, दिस इज बोथ साइड ब्लोइंग, वन साइड द रैबिट एंड अदर साइड फॉर द जैकाल एंड वोल्फ एंड अदर प्रीडेटर। यू कैन सी नाउ द साउंड विल बी चेंज। देखना आपकी कैसे चेंज हो जाती है, रैबिट की हो जाती है। अगर आपने बड़े जानवर का शिकार करना है तो फिर आपको डिस्ट्रेस की होती है, डिस्ट्रेस कॉल ही है एक्चुअली। वो समझता है, रैबिट समझता है कि मुझे कोई रैबिट बुला रहा है, पत्नी वो परेशान है, मेटिंग के लिए होता है, हो सकता है सीजन हो। और जो दूसरे जानवर हैं वो खाने के लिए आते हैं, जैकाल जो है वो खाने के लिए आता है, आवाज़ पे आता है, इसी तरह वोल्फ है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा, जो बड़े जानवर हैं उसके लिए आप लंबी कॉल बजानी, लिटिल बिट डिस्ट्रेस साउंड। दिस इज फॉर द जैकाल, फॉर द वोल्फ एंड फॉर द रैबिट, द चेंज साइड द चेंज। हाउ टू मेक दिस खाल, दिस इज द सिंपल, दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट। आई हैव मेड दिस खाल फ्रॉम द थाइज, ये आई, दिस इज वेरी हार्ड, नाउ इज नॉट कमिंग आउट। तो ये वाटर पाइप है, ये जो कंस्ट्रक्शन में आपके घरों में जो टेप होती है या आपके पास नल होता है उसमें वो लगे होते हैं, यही वो सेम पाइप है। उसका टुकड़ा काट के तो एक आम टाई से मैंने आवाज़ साउंड निकाल के तो वो इसमें फिक्स कर दिया। दिस इज़ द सिंपल मेथड, नथिंग। आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप टाइज बैलून्स उनमें लगी होती हैं टोन्स, वो काम आती हैं इसमें। तो ये तो खुद सिला, खुदादाद सिलाई तो होनी चाहिए। मेरे पास जैसे ये विसल है, आप देख सकते हैं, जिस इज़ द ओनली सिंपल विसल, बट आई कैन यूज़ दिस ऑन द डक हंटिंग, फॉर द पार्ट्रिज फॉर एग्जांपल। दिस इज सिंपल। तो ये अपने में सलाहियत होनी चाहिए, हंटर में ये सलाहियत होनी चाहिए। इसी तरह इसको मैं डक्स पे भी यूज़ कर सकता हूँ, टील पे। देखना आप, अब क्या है ये? तो ये फ़न खुद इंसान को आना चाहिए। मुझे बार बार दोस्त बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा कॉलें आती हैं या उसका मैसेज आया कि ये कैसे बनानी है, आप इसके बारे में बताएं। तो आप नोट कर लें, अब ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ए टाई। तो मैंने टाई से ले कर ख़ुद चीज़ बना लेता हूँ। मेरे पास वो डक हंटिंग के लिए भी ये मैनुअली ये टाई से ली हुई बनाई हैं और बहुत अफेक्टिव होती हैं। अब ये देखें कैसी साउंड निकलेगी, खुद आप देख के जज कर सकते हैं कि किस परिंदे से मिलती है, किस जानवर से मिलती है या उसके लिए फ़ायदेमंद है। यह मोर है, आप जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पीकॉक। दिस इज सिंपल। अब ये इसकी कास्ट होगी ओनली 10 रुपी, पाकिस्तान 10 रुपी। और ये जो था फ्रीली मुझे मिला, और ये मैंने पाइप लेके उसमें इसको, अब इसकी ये बहुत अच्छा साउंड हो गई और ये सेफ हो गई। अब ये 10 साल भी कहीं नहीं जाएगी। अब रह गया कि रैबिट इस पर आता है कि नहीं, आप हंट करके, कुछ दोस्त कहते हैं कि आप रैबिट की प्रैक्टिकली आप हंट करके हमें दिखाएं। उसके लिए एक बात नोट कर लें कि बंदे के पास टाइम होना ज़रूरी है, और असर का टाइम, शाम का टाइम हो तो फिर आप रैबिट हंट करेंगे, जब उसको निकलता है या भूख लगी होती है।
फिर वो आएगा। अभी ऐस मॉर्निंग टाइम जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस मॉर्निंग टाइम में जितना मर्जी जोर लगा लूँ तो वो रैबिट नहीं आएगा, बिकॉज के वो अभी उसको टेंशन ही नहीं है, वो बाहर निकले ही नहीं है, तो वो मूव कैसे करेगा। उसको अपने हाइड से निकालना, वो उसके लिए पिछला टाइम जो है असर का टाइम, शाम का टाइम, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। अब ये आपको समझ आ गई, जो दोस्त कहते हैं कि कॉल कैसी बनानी है, भाई ये सिंपल टाइज, आप जाएँ उधर से साउंड को देखें और फिर उनको इस तरह किसी पाइप या किसी ऐसी चीज़ में महफूज कर लें, वो आपके काम आएगी। असल चीज़ ये है कि आप खुद कितने प्रोफिशिएंट हैं। जैसे मैंने आपको पीकॉक का बताया, इस विसल से आपको दो तीन परिंदों के लिए शिकार के लिए बना लिया। नाउ यू विल सी, तीतर बोलना शुरू हो जाएंगे, आप आवाज़ खुद सुन सकेंगे। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो या आप मेरी इस कावज को अच्छा समझते हैं तो इसको लाइक कर दीजिए।